किस्सा। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी, फिर अशरफ पर फायरिंग की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। उनके हथियार बरामद किए गए हैं। हमले में कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती है। अतीक के मरने की खबर सुनते ही प्रयागराज जेल में बंद अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली बेहोश हो गया। अतीक के दो नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद है। उनका टीवी कनेक्शन काट दिया गया है। महाराष्ट्र में एसटीएफ का छापा। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार शाम छापा मारा है। सूत्रों ने बताया कि एसटीएफ ने यहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। यह गुड्डू मुस्लिम है या अतीक से जुड़ा कोई व्यक्ति साफ नहीं हुआ है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।